पार्टी हो गई बहुत भयंकर, मतलब बहुत भयंकर, मतलब बहुत भयंकर हो गई। और हमारी हालत ख़राब नहीं हुई, हमारे एसी की हालत भी ख़राब हो गई। पूरी रात एसी चलाया क्योंकि पार्टी हो रही थी बाहर, और रूम में आते थे सब ठंडी हवा लेने के लिए, तो इसका जो पता नहीं कंप्रेसर चला गया क्या चला गया, अब ये सिर्फ गर्मी मार रहा है। मतलब मुंबई में गर्मी और गर्मी में एसी ख़राब सबसे वाहियात हालत होती है। तो अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे। पहले हमारे को लगा हमारे से गलती से किसी ने, इतने सारे लोगों ने मोड़ वोड़ तो नहीं चेंज कर दिया, पर किसी ने हाथ ही नहीं लगाया था रिमोट को। तो अभी एसी वाले को बुलाया जी, बहुत ही स्यापा हो गया। आओ, घर में सजावट हो अच्छा है, पर वो जो जैसे जैसे सजावट निकलने लग जाती ना, वो बड़ी भयंकर होती है। मतलब पार्टी हो गई बहुत भयंकर। तो अभी सीन क्या हो गया कि अभी हमारे को जाना था जिम, बट एसी वाला जब तक आएगा नहीं तो हम जा नहीं सकते, तो इसीलिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार करने से पहले आपसे पूछ लेते हैं जी, पार्टी होगी बहुत भयंकर के दो जी सारे बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। साकिब क्या है उधर ना पीछे सोया हुआ है, पर उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो अध नंगा पड़ा हुआ है, अध नंगी लाश, उसको दिखा नहीं सकते। कोई किताब पढ़ रहा है, किताब दिखा सकता हूँ मैं, एक सेकंड, कौन सी पढ़ रहा है, बुक देख रहे हो, एज अ मैन थिंक, क्या बोलेंगे, थिंकित, मतलब इसका मोटिव, जो आदमी सोचता है वही होता है, तो हम क्या सोचते हैं वही होगा। तो इसलिए आपको हमारे बारे में अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छा सोचोगे तो हमारा अच्छा होएगा ही होएगा, बाकी राबदी में होगा। आह, पार्टी होगी बहुत भयंकर। प्रभु आप ही हो करता धरता, आप आज हमारे ब्लॉग में आ रहे हो, आओ एसी ठीक करो। हमारा बंदा आया आज, आज चक में गाने सुनने, देखो पूरा एसी लेके घूम रहे हो तुम, एसी तुम चलाओगे, पंखा मैं चला सकता हूँ। आशु भाई ने पूरा खोल दिया हमारा एसी, इधर का खोल दिया, मेरे को क्या बोल रहे हैं, कह रहे पंखा नहीं चला, मैं बंदा बिठा दे बाहर। इसका फैन नहीं घूम रहा है, और फैन घूम जाएगा एक बार तो फिर गैस चेक करनी पड़ेगी अपने को प्रॉपर, तभी फैन घूमने के पाते चलते हैं। वेरी गुड, अब आप एक्टर बन गए, आपकी पेमेंट बढ़ा दी जाएगी, इन्होंने डायलॉग दिया। वेरी गुड, पता नहीं अभी क्या हो गया, मेरे को आते ही पता क्या पूछ रहे, कह रहे बहुत ज़्यादा चला दिया, मैंने बहुत ही ज़्यादा चला दिया। जिसका भी फ़ोन आ रहा है क्या कर रहा है पार्टी के बाद, आफ्टर पार्टी लोग पूछते ना कि सही है होश में आ गया क्या, मैं कहा आ गया हूँ एसी ठीक करवा रहा हूँ, ये हमारा एसी, जिंदगी यही है। धन्यवाद। कुछ हेल्प चाहिए क्या? जैसा मैंने सिखाया वैसे ही करना है, ठीक है ना? ठीक है, प्रॉब्लम पकड़ में आ गई है मेरे को लग रहा है, ढूंढ लेंगे सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। ये लो जी थैली लो, क्या क्या खराब है हमारा, सर्किट, स्विंग मोटर, रिमोट लेके जा रहा हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, सारा सामान, सारा सामान पैक, सर्किट वाले के पास, सर्किट वाला फोन करेगा कि भाई आपकी सर्किट बन गई, फिर हम आएंगे यहाँ पे रिटर्न सर्किट लगाने के लिए, नहीं तो तब तक साकिब के कमरे में सोना पड़ेगा। क्या ही जिंदगी है ऐसी, पार्टी मैंने बोला ना पार्टी बहुत भयंकर होगी, बहुत भयंकर। चले लेट हो जाएंगे भाई। हाँ बस प्रोटीन पी लिया, निकलते हैं। तो अभी का सीन क्या है कि के अंदर से एक्टर निकल सकता है, पर एक्टर के अंदर से आप नहीं निकल सकते, सिनेमा नहीं निकल सकता। तो हमारा क्या, अब एक्टिंग तो छोड़ रखी है बहुत टाइम हो गया, बस वक्त हो गया वो भी, पर इसने हमारे को बोला कि एक प्ले है, प्ले देखने चलते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, अपने खास दोस्त लोग हैं उसमें दो तीन, सपोर्ट, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। 420 रुपये की टिकट आई है। वैसे हमारे को जाना था 8:30 बजे वाला शो, पर आज मैच है RCB और चेन्नई का, और अगर RCB जीत गई तो वो प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी, पहली बार सालों में, सालों में। तो विराट को भी फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। और आज आज है 18 तारीख, और इनका बर्थडे कल था, और विराट कोहली की टी शर्ट का नंबर भी है 18, तो चांसेस हैं। और 22 सतारा, 22 सतारा, चल फटाफट पी, लेट हो जाएगा, जा रहे हैं प्ले देखेंगे। क्या प्ले का नाम तो बताओ दोस्तों, क्या नाम है, लसन वाला। मैंने बोला ही नहीं यार, तू, मैं कह रहा हूँ लसन वाला, लसन या लसन, लसन वाला, लसन वाला। चलो धूल और मिट्टी से बचने के नए चश्मे, ये चश्मे क्योंकि हमारे दूर की नजर कमजोर है, प्ले हो रहा है दूर, तो हमारे को समझ में नहीं आया, दो चार जोक मिस हो गए, तो ऐसे नहीं पूरा देखा करो, स्किप नहीं किया करो, और सब्सक्राइब करो। देश फिर कुदरा है, हमारी गली खोद दी यार, पूरी गली खोद दी है। चलो
चल जल्दी कर, लहसुन क्या था वो वाला, लहसुन वाला, लहसुन वाला। गड्डी पहुंच गई साड़ी, मैं भी बाल थोड़े सेट कर लूं। यार मेरा हाँ में उड़ जाता है ना पूरा यार, सब हेलमेट अलग से परेशान कर भाई, भाई भाई सही 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 ठीक है ओके 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 डन डन। देखो जी इतने सारे प्ले हो रहे हैं, अपने कौन सा जा रहे हैं, लहसुन वाला वाला लगा नहीं है हमारा पोस्टर नहीं लगा, बिना पोस्टर के आ गया क्या है ना प्ले, इसलिए लेट लाइक का दूसरा प्ले देख रहा हूं। तू कौन सा, मेरा तो काफी सारा काफी सारा देख देते हैं। लसन वाला ये है जी, देख लो कुछ तो है उसके अंदर, वाह इसमें डिटेल्स लिखी है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सोचिए सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास, कबीरदास जी का दोहा लगाया, हम जा रहे हैं अच्छी सी दुकान में। चलो घर पे पहुंच गए जी, आज प्ले बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा प्ले था कि जिसकी हमारे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि म्यूजिकल था, कॉमेडी था और बहुत ही अच्छा मैसेज था। पर आज हमारे को एक बात और समझ में आई है कि हर किसी की ना नीच बहुत अलग होती है। जैसे प्ले देखने जाओगे तो उसका क्राउड बिल्कुल अलग है, मूवी देखने जाओगे बिल्कुल अलग होता है। काफ़ी मूवी होती है जैसे ट्वेल्थ फेल, लापता लेडीज, लोगों ने ऑनलाइन देखी है, पर जब मैं थिएटर में देखने गया था तो लोग मेरे को बोल रहे थे कि ऐसा कैसे, ट्वेल्थ फेल कोई नाम की मूवी होती है, मेरे पापा ने बोला था कि आखिरी मूवी हुई ट्वेल्थ फेल। वो ऑनलाइन आई तब लोगों को समझ में आया कि बात है जी। तो कहने की बात ये है कि आज भी कंटेंट की वैल्यू है, माना कि हमारे व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर कम है, पर हमारी नीश बिल्कुल अलग है। जो लोग देखते हैं मतलब उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ अलग दिखा रहा है, पर सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है। तो हमारे को अपनी ऑडियंस पसंद है जी, जितनी भी है मोहब्बत है। बाकी मैच चल रहा है जी यहाँ पर 113 रन पे, एक आउट 13 ओवर हो गए हैं और विराट कोहली आउट हो गया है। सुना है बारिश वारिश हो रही है, देखो ना 113 रन पे एक आउट, विराट कोहली आउट हो गया, वो थोड़ा सा मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया। पर बाहर चल रही है जी शादी, दिखाता हूँ बाहर बज रहा म्यूजिक, पता नहीं कहाँ बज रहा है, कहीं तो बज रहा है, बढ़िया सीन हो रखा है ना घर पे। और जो हमारी एसी की खबर थी वो थोड़ी सी मासूमियत भरी, मासूमियत नहीं बोलेंगे, सही वर्ड क्या होता है कि वो सही नहीं हुआ, कैलकुलेशन ये है कि वो सही नहीं हुआ, वो कल सही होएगा। पर अभी हम मैच का आनंद लेते हैं, पंखे बंद करके बैठे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है यार मुंबई में कसम से, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है ना इसलिए ये वाला सीन है थोड़ा सा। ओके मैच का आनंद लेते हैं, आज हम फुल सपोर्ट आरसीबी के साथ है, हम चाहते हैं कि आरसीबी जीते। कुछ तो हुआ जी है खतरनाक वाला सीन यहाँ पर इस बार आईपीएल में जितना थर्ड अंपायर ने झोल किया है ना, मेरे को समझ में नहीं आया इस बार का थर्ड अंपायर वाला काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब बिका हुए हैं, सब बिक चुके हैं, हमारे को मिलके सब बना रहे हैं। ठीक है अब देखते हैं, नोट आउट भी दे रहे हैं ना, लग रहा था जी बैट लगा है पर नहीं आउट दे दिया। बड़ा शॉट खेला पहले तो वो देखना था कि गेंद हाथ पे लगी कि नहीं, हाथ पे लगी थी, हल्की सी डिफ्लेक्शन थी, वहां बैठा थोड़ी सी, क्या मार रहे हैं यार, क्या मार रहे हैं, मतलब अलग लेवल पे स्कोर तो तगड़ा बन रहा है, मैच भी तगड़ा चल रहा है, मज़ा तो आ रहा है। मतलब मैं ये आईपीएल का पहला मैच होएगा जो मैं देख रहा हूँ, मेरे को नहीं तो सिर्फ वर्ल्ड कप देखना पसंद है, मेरे को नहीं लगता कि आईपीएल क्योंकि जिस तरीके से चलता है आज वाला मैच डिजर्विंग मैच। देख रहे जी स्कोर 218, एक 18 और जुड़ गया, बस यही बताना था 218, मज़ा आएगा मैच देखने में। पहली गेंद पे पहला आउट, वो मैच दोनों तरफ का चल रहा है, 4 बॉल पे 11 रन चाहिए, मैच तो फंसा है मतलब फंसा है, पर अभी भी चांस 3 बॉल पे 11, आई होप क्या है, चेन्नई बहुत बार जीती हुई है, नहीं तो हमेशा अपने चेन्नई की तरफ होते हैं, धोनी अलग है, बट एक चांस नए लोगों को भी मिलना चाहिए हमारे जैसे, आज पूरा दिन ऐसे चल रहा है, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। चलो सिंगल तो मिला, इस तरह से 2 बॉल पे 10 रन, यस जी यस,
फाइनली आरसीबी पहुंच गई जी। अब मैच जीते कोई भी कोई हारे सानू मतलब नहीं है जी। बहुत बढ़िया दिन रहा हमारा, रब रखा जी। जो चाहते थे वो हुआ है, बस हम तुम आपका ख्याल रख, बस आपका ख्याल रखना चंगा, रब रखा जी। बस नो बोलना हो जाए, लास्ट बोल दिखा देता हूँ आपको। आखिरी गेम, हाँ एक और प्लेयर ने स्वागत है आपका। डन है जी, डन डन है जी, डन। हैप्पी फॉर हिम, दिस बंदा।